हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियांशु कुमार, जीडीएस बीपीएम इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो आज हम आपको स्वागत करते हैं मेरे चैनल पे। तो भाई, बात क्या है कि वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हैं लाइफ में कि आगे सक्सेस कैसे करना है, कैसे करियर बनाना है, घर में पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी आ गया है, ठीक है, पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्या करें, नौकरी नहीं लग रहा है। नौकरी लेने के लिए मुझे बहुत बड़े बड़े एग्जाम क्रैक करना पड़ रहा है, कि मतलब छोटे लेवल का भी अगर जॉब लेना है तो उसके लिए एग्जाम क्रैक करना पड़ रहा है, जिसका कट ऑफ बहुत ऊपर जा रहा है। एक सीट के लिए 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, उसमें सेलेक्ट होते हैं। रेशियो में अगर एक सीट है तो उसमें 10-15 कैंडिडेट को ऐसे बैकअप में सेलेक्ट करके रखते हैं, 1:10 में ऐसे सेलेक्ट करके रखते हैं, 10-15 ऐसे करके, एक को रिजेक्शन होगा तो दूसरे को ये अप्रूवल मिलेगा। तो इस तरह से कंपटीशन आजकल बहुत टफ हो गया है, जल्दी जॉब मिलने का संभावना बहुत कम है, ठीक है। जो हाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई किया, जिसका मेन मकसद ही 6 से लेकर 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक था कि हम एक सरकारी ऑफिसर बनेंगे, गैजेटेड ऑफिसर, या फिर हमको जनरल कंपटीशन क्रैक करना है, या बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या फिर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो जो जिस, या फिर एमबीबीएस करना है, इंजीनियर बनना है, आईआईटी क्रैक करना है, एमबीबीएस में जाना है। तो ये सब चीज़ जो है प्री प्लानिंग होता है, बहुत पहले से ही लोग प्लान करता है। 6-7 जब 6-7-8 में पढ़ता है तो तब से ही गार्जियन उस पर फोकस किए रहता है कि हम अपने बच्चे को इस लेवल तक पहुंचाना है। बच्चे में भी एक सेल्फ डेडिकेशन रहता है कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, बड़े पोस्ट पे जाना है, तो उसके लिए उस तरह से तैयारी करता है। बट क्या होता है ना, कुछ कैंडिडेट जो होते हैं इंटेलिजेंट रहते हैं, क्योंकि वो ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, उसको इतना गाइडेंस नहीं मिल पाता है, बट उसका मैथ साइंस ठीक ठाक रहता है, अच्छे से न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर देते हैं, मैथ सॉल्व कर देते हैं, बट उतना गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि कौन सा जॉब के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कितना लेवल, कितना स्टैंडर्ड का क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है, ये सब मुझे उनको मालूम नहीं रहता है। जब वो शहर जाता है तो उसको वहाँ पे वो ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, जिसके वजह से उसको जब वहाँ पे वैसा इन्वायरमेंट मिलता है तो फिर वहाँ पे उसका स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट हो जाता है। लेकिन फैमिली के पास उतना पैसा नहीं रहता है कि 5-6 साल 3 साल इस तरह से उसको स्ट्रगल के लिए टाइम दे, एग्जाम क्रैक करने के लिए समय दे, क्योंकि वो तो ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, है इंटेलिजेंट, दिमाग का बहुत शार्प है, शार्प माइंडेड कैंडिडेट है, बट क्या है ना, वहाँ पे और भी कुछ पढ़ना रहता है तैयारी करने के लिए, जो कि वो लोग शुरू से नहीं पढ़ते हैं, और वहाँ पे उनका बेसिक जो है कमजोर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जाकर उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, और फैमिली के पास उतना पैसा नहीं रहता है जो स्ट्रगल में उतना साथ दे सके, तो पैसे की हमेशा तंगी बना रहता है, और एक दो बार में तो जॉब होता नहीं है, एग्जाम क्रैक नहीं होता है, तो फ्रस्ट्रेट होके बैठ जाता है। बट क्या है ना, पोस्टल डिपार्टमेंट में जब आएंगे और आपका अच्छा परसेंटेज है, आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक बैकअप प्लान मिलता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको गैजेटेड ऑफिसर बनने के लिए। क्या होता है कि जब उनको स्ट्रगल पीरियड में रहते हैं तो उनको सफिशियंट टाइम नहीं मिल पाता है, और उनको अच्छा परसेंटेज भी रहता है 10th में 12th में, तो उस क्या करता है कि सर्म से जीडीएस ज्वाइन नहीं करता है, पोस्टल डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि हम बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं और हम ये जॉब करेंगे तो लोग हंसेगा, तो इस वजह से क्या है ना, डिमोटिवेट होके छोड़ देता है, या फिर करना नहीं चाहता है, जॉब हो भी जाता है तो रिजाइन दे देता है। तो ये सब चीज़ नहीं करना है, डिपार्टमेंट में बहुत कुछ है जो आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करते रहेगा। मतलब आप MTS बन सकते हैं, CHSL के थ्रू जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट बनते हैं, तो क्लर्क लेवल का जो जॉब होता है 40-50 हज़ार तो सैलरी आराम से हो जाता है, वो आप कर सकते हैं। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में बड़े बड़े पोस्ट पे जा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट भी बन सकते हैं, सुपरिटेंडेंट सब भी बन सकते हैं, तो बहुत कुछ है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, फैमिली को समझाना है कि हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, धीरे धीरे प्रमोशन होगा तो हम अच्छे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी इतना बड़े एग्जाम क्रैक करने के लिए, कोई जनरल कंपटीशन क्रैक करने के लिए समय चाहिए, पैसे चाहिए, तो उतना
नहीं मिल पाता फैमिली से, तो इस वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है। और आपको अगर जो भी जॉब मिल रहा है उसको आराम से पकड़ लीजिए, धीरे धीरे प्रमोशन लेके आगे बढ़ जाइए। डिमोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है कि क्योंकि किसी का बात सुनना नहीं है। अगर बोलेगा कि ये जॉब नहीं करना है तो उसका बात सुनना नहीं, क्योंकि उसको वो आपको थोड़े ना सपोर्ट करेगा। फैमिली स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल जो आपका कमजोरी है वो चीज़ थोड़े ना वो ठीक कर देगा। आपको खुद से ही स्टेप उठाना है ना, तो फैमिली को समझाना है, आपके सोसाइटी में सबको समझाना है कि देखिए ये जॉब खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। आपको भी पॉजिटिव रहना, हमेशा पॉजिटिव रहना, ठीक है। और धीरे धीरे आपका ऐसा प्रमोशन हो जाएगा कि आप बड़े अधिकारी बन जाएंगे। और इस पोस्ट पे भी बहुत रेपुटेशन है, बहुत इज्जत है, बट क्या है ना, सैलरी कम, इसी वजह से लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे सैलरी हो जाता है। डिपार्टमेंट में इंसेंटिव कमीशन का रूल है, तो आपको कमीशन वगैरह सब भी मिलता है, तो कमीशन से अच्छा खासा सैलरी अर्न हो जाता है। तो आपको डिमोटिवेट नहीं बनना है, कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ, ठीक है। वीडियो बनाने के यही लॉजिक था कि आपको मोटिवेशन बना रहे और आप लाइफ में रुकिए नहीं, मतलब डोंट गिव अप, आगे बढ़ते रहना, ठीक है। ये मेरा वीडियो का ये था। चलिए, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। लॉन्ग पूरा वीडियो देखिए, सुनिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये मेरा इंटरनल फीलिंग है, क्योंकि हम भी ये सब चीज़ झेले हैं, इसी वजह से बोल रहे हैं, ठीक है। बाय बाय। Thank you.